दोनों में मैं थोड़ा थोड़ा सा घी ब्रश कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, भारतीय क्विजन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपको बताऊंगी कुलचे बनाना। दो तरीके से मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी, एक तो प्लेन और एक आलू का स्टफ करके बनाऊंगी मैं इसे तवे पे। आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए मैं ले लेती हूँ, ये 2 कप मैदा ले रही हूँ मैं। एक चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे हम इसमें, और ये दही डाल लेते हैं। 2, 3, 4 चम्मच अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी और आधी चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग सोडा। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बना लेंगे इसका आटा एकदम नॉर्मल पानी से। 2 चम्मच के करीब इसमें ऑयल डालूंगी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाना है इसका। कुलचे का आटा हमारा लग गया है, अब हल्का सा ऑयल लगाएंगे इसमें और तब एक सार कर लेंगे इसको और ढक्का रख देंगे इसको एक कॉटन के कपड़े से 1/2 घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है, अब इनके बनाएंगे हम एक सार कर लेते हैं, एकदम बना के रख लेंगे पेड़े इस तरीके से और वापस से रख देंगे करीब 1/4 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। अब ये हमारे कुलचे का जो लोई है वो भी बिक गई है, देखिए कितना साइज़ में डबल हो गई है। निकाल लेते हैं एक लोई। आज हमको 2 तरीके से बनाएंगे कुलचा, एक तो स्टफ करके बनाएंगे और एक लंबी। जहाँ तक हो सके आप इसमें आटा बिल्कुल भी नहीं लगाइए, यानी कि मैदा। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करिए और फिर इस तरीके से चकले पे रखिए। और इसको बेल लेंगे। पहले बनाते हैं लंबा वाला, जैसे आजकल ये वाले भी कुलचे बहुत से मिलते हैं मार्केट में। इसमें डाल लेती हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ती, बहुत थोड़ा सा, और इसको वापस बेलेंगे। ये हमने बेलकर तैयार कर लिया है इस तरीके से, लंबाई जैसे नान बनती है उस तरीके से मैंने बेला है इसको। इस तरीके से भी आजकल कुलचे मिलते हैं मार्केट में। अब इसका ये वाला साइड ले लेंगे और इसमें लगा लेंगे पानी, ब्रश की सहायता से पानी लगा लेंगे या हाथ से भी लगा सकते हैं आप। और जिस तरह से हमने पानी लगाया है तवा तो हमारा हल्का गर्म है, तेज़ गर्म नहीं करना है, और इस पर रख देंगे इस तरीके से। अब साइड साइड में से थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे कि, और इसको ढक देंगे जिससे जो इसकी भाप है वो इस पर चारों तरफ फैलेगी इसमें, और जो हमारा कुलचा है वो जालीदार और फूला फूला बनेगा। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ये देखिए। अब इसको उलट देंगे, दूसरी साइड से सेकेंगे और वही पानी चारों तरफ डाल देंगे और ढक देंगे वापस से। सिम गैस पे रखना है, गैस को फुल नहीं करना है। चेक कर लेते हैं दूसरी तरफ से भी। वाह, देखिए बहुत अच्छा कुलचा हमारा सिक कर तैयार हुआ है। अच्छी इसकी सिकाई हो गई है, इसको उतार लेते हैं।
बताती हूँ मैं आपको दूसरी तरीके से कुलचा बनाना। स्टेप कुलचा है इस तरीके से, या तो हाथ से प्रेस करके बना लीजिए। और ध्यान रखिए मैदा नहीं लगाना है इसमें बिल्कुल भी। थोड़ा सा ऑयल अगर आपको चाहिए बढ़ाने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए, तो वो डाल सकते हैं। ले लेंगे थोड़ा सा आलू का मसाला और चारों तरफ से जिस तरीके से आलू का पराठा बनाते हैं उसी तरीके से इसको बंद कर लेंगे इस तरीके से। अब थोड़ा सा ऑयल लेंगे वापस हाथ में, अच्छे से पैक कर लेंगे इसको। ऑयल लेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे। ये देखिए आलू स्टफ करके मैंने कुलचा तैयार कर लिया है। अब इसको हल्के हाथ से उठाएंगे और इस साइड पे पानी लगा देंगे। तवा हमारा गरम हो गया है, इस पे डाल देंगे इस साइड से, जिस साइड से पानी लगाया है उस साइड से डाल देंगे और वही चारों तरफ पानी डाल देंगे और ढक देंगे इस ढक्कन से। चेक कर लेते हैं एक तरफ से सिक गया क्या। सिक गया है, वाओ। अब इस तरफ से भी पानी लगा के थोड़ा थोड़ा सा दूरी पे पानी डालेंगे जिससे इसके स्टीम से बराबर सिक जाए जालीदार। देखिए दोनों तरीके के कुलचे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये प्लेन वाला है और ये स्टफ है। दोनों में मैं थोड़ा थोड़ा सा घी ब्रश कर रही हूँ। वाह देखिए कितना अच्छा हमारा कुलचा बनके तैयार हुआ है। आप इसको तो छोले के साथ सर्व कर सकते हैं, इसको आप सॉस या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और या दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको काट के दिखाती हूँ मैं आपको इस तरीके से। ये देखिए वाह कितना अच्छा स्टफ हमारा ये बनके तैयार हुआ है कुलचा। ये देखिए गरम है अभी थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाकर देखिए इस तरीके से, बिना ईस्ट बिना अंडे के कुलचे, और बताएं अपने अनुभव कि आपके कैसे बने। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।